हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी और जो गैल्वेनिक सेल था ठीक है तो उसमें कैसे नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना वो हमने देखा था और उस पर न्यूमेरिकल्स देखे थे आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि गैल्वेनिक सेल के जनरली हमें कौन से दो टाइप पढ़ने होते हैं ठीक है तो एक टाइप तो ऑलरेडी जो अभी तक हमने देखा गैल्वेनिक सेल ठीक है उसको नॉर्मल गैल्वेनिक सेल बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल भी बोलते हैं तो नॉर्मल तो हम पढ़ चुके हैं अब एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड गैल्वेनिक सेल अब दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या कैसे उसमें नस्ट इक्वेशन अप्लाई होगी वो हमें देखना है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल से पहला लिखा मैंने नॉर्मल गैल्वेनिक सेल नॉर्मल का मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा वो नॉर्मल था ठीक है उसमें कुछ ऐसा सच होता नहीं एक एनोड होगा एक कैथोड होगा दोनों अलग अलग एलिमेंट के होंगे ठीक है तो यहाँ लिखा है द गैल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करेंट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल हमें बताइए जो अभी हमने पढ़ा था ठीक है लेक्चर नंबर वन में फर्स्ट लेक्चर में हमने ईसी जो पढ़ा था उसमें एनोड हमें बना हुआ था जिंक का और कैथोड हमारा बना हुआ था कॉपर का तो एनोड और कैथोड दोनों ही अलग अलग एलिमेंट और अलग अलग मटेरियल की बनी हुई थी ठीक है तो अब हमें पता है कि एनोड हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है अगर एलिमेंट अलग है तो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ अलग होगा ही और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है तो एनोड और कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उस वजह से इलेक्ट्रॉन या करंट क्या करता है फ्लो करता है तो जो अभी हमने पढ़ा वो नॉर्मली है और उसमें बोला कि दोनों जो हाफ सेल है उसमें इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं अलग अलग होते हैं तो द गैल्वेनिक सेल इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल ठीक है एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल तो अलग अलग एलिमेंट के होने की, की वजह से उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा अलग हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी अलग होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है करंट या हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा फ्लो करेगा ठीक है फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है इन नॉर्मल गैल्वेनिक सेल द एलिमेंट्स ऑफ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल इज डिफरेंट ठीक है तो जैसा कि अभी हमने बताया मैंने कि एनोड जिंक का बना था और कैथोड किसका बना था कॉपर का तो जो दोनों एनोड्स होगी एन, सॉरी दोनों जो इलेक्ट्रोड होगी एनोड और कैथोड वो दोनों ही अलग अलग एलिमेंट्स की होगी सेम एलिमेंट की कभी नहीं होती क्लियर है ये भी हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ठीक है ठीक है यहां पे लिखा है इसको करेक्ट कर लेना स्टैंडर्ड सॉरी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ नॉर्मल गैल्वेनिक सेल नेवर बी जीरो स्टैंडर्ड का मतलब क्या ई नॉट सेल की बात हो रही है ई नॉट सेल का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन पे और स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल भले ही जीरो हो जाए ई e सेल भले ही जीरो हो जाए लेकिन E not cell कभी भी जीरो नहीं हो सकता नॉर्मलिक सेल का क्योंकि E नोट सेल हम कैसे निकालेंगे जो स्टैंडर्ड एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों को ऐड कर देंगे और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जीरो तो होता नहीं और दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें क्या मिलेगी एक वैल्यू मिलेगी न्यूमेरिका जीरो तो कभी नहीं मिलेगा आ रही बात समझ में तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो नॉर्मल गैलवनिक सेल का होता है वो कभी भी जीरो तो नहीं होगा ठीक है एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी तक जो हमने पढ़ा वही एग्जाम्पल लिख दिया मैंने ये क्या है हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है है ये मैंने बताया सिंगल लाइन फेस चेंज बताता डबल लाइन हमें क्या बताता है डबल uh, लाइन हमें क्या बताता है सॉल्ट uh, ब्रिज तो ये है जिंक सॉलिड फॉर्म में ये हमारा एनोड लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है जैसे हम सेल को देखते हैं तो लेफ्ट साइड में एनोड राइट साइड में कैथोड तो जिंक एनोड ये जिंक का इलेक्ट्रो सॉरी uh, <coughs> हमारा जो एनोड है उसका इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट का, एक्वस में, ये में, आ गया, फिर और यह कैथोडा कॉपर सॉलिड और नॉट सेल आता है इसको जब ऐड करेंगे पॉइंट सेवन सिक्स थ्री फोर तो ये वन पॉइंट वन वोल्ट आता है जिंक और कॉपर का जो हमारे पास जिंक और कॉपर फिक्स हो गया ठीक है कई बच्चे पूछते वन पॉइंट वन ही हमेशा क्यों लिखते हैं तो मैंने बोला कि जो ई ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या सेल पोटेंशियल है ये कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इंडिपेंडेंट ऑफ मास है अब आप कॉपर की छोटी सी स्ट्रिप लो या कॉपर का एक की की बड़ी सी रॉड ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिंक की एक ग्राम की स्ट्रिप लो या एक किलोग्राम की, की ले लो या दस किलोग्राम के लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस एलिमेंट अलग है तो वो फिक्स हो गई वैल्यू और जब भी जिंक कॉपर लोगे तो ये ई नॉट सेल की वैल्यू फिक्स होगी वन पॉइंट वन वोल्ट हाँ यहाँ से अगर मैं जिंक को चेंज कर दूँ और कॉपर को चेंज कर दूँ तो ये वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी फिर वहां पर अलग पोटेंशियल आ जाएगा क्लियर है चलिए तो ये चीज़ तो अभी तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे तो इसको बस एक बार पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने वापस लिख दिया तो एक बार इसको कॉपी कर ले फिर से कोई दिक्कत नहीं पढ़ लिया लेकिन इसको समराइज़ कर दे और कंपेयर करने में आपको दिक्कत ना हो ठीक है तो टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल हेडिंग डालें और सबसे पहले लिखे नॉर्मल गैल्वेनिक सेल ठीक है नॉर्मल गैल्वेनिक सेल वीडियो पॉज करें कॉपी करें ठीक है तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करते चले इसको चलिए तो यहां तक तो हमने कुछ नया पढ़ा नहीं है और अगर इसमें हम चाहे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो क्या आएगा ई सेल इक्वल्स टू ए नॉट सेल माइनस

द गैलवेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाफ सेल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट मैं कह रहा हूं कि यहां पर यहां पर जो एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा है वो किसकी वजह से फ्लो कर रहा है या फ्लो कर रहा है करंट फ्लो कर रहा है एक्चुअली हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है एनोड वाले इलेक्ट्रोलाइट है और कैथोड वाले इलेक्ट्रोलाइट है लेफ्ट वाले बीकर में जो इलेक्ट्रोलाइट है और राइट गार वाले बीकर में जो इलेक्ट्रोलाइट है या फिर उसके जो हमारे एनोड और कैथोड की जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी बीच में जो कंसेंट्रेशन है वो अलग अलग है पिछले केस में नॉर्मल के अंदर क्या होता था कि हम बोलते थे एनोड और कैथोड ही अलग अलग या उसका इलेक्ट्रोलाइट ही अलग होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी वजह से होता था एनोड कैथोड की वजह से लेकिन यहां पर इस केस में डिफरेंस क्या है कि एनोड हो या कैथोड हो दोनों ही सेम एलिमेंट की बनी हुई होती है एनोड जो इलेक्ट्रोड है अगर मान लिया मैंने जिंक की बनी है तो कैथोड भी जिंक की बनी हुई थी अगर मैंने बोला एनोड कॉपर की बनी हुई है तो कैथोड भी कॉपर की अगर एनोड सिल्वर का बनाया तो कैथोड भी सिल्वर का मतलब एलिमेंट तो दोनों के सेम हो गए तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा आ रही बात समझ में बट डिफरेंस यहां पर इलेक्ट्रॉन फिर भी फ्लो करता है क्यों फ्लो करता है क्योंकि जो उसका इलेक्ट्रोलाइट है जो उसका इलेक्ट्रोलाइट है एनोड का

इन दिस सेल बोथ हाफ सेल आर सेम एंड बोथ एनोड एंड कैथोड आर ऑफ सेम एलिमेंट बोथ हाफ सेल सेम सेम होने का मतलब क्या है जैसा अभी मैंने बोला कि अगर एनोड जिंक से बनाया तो कैथोड भी जिंक से बना होगा अगर एनोड में जिंक सल्फेट है तो इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट है उसका तो इसका भी जिंक सल्फेट होगा अगर एनोइड कॉपर से बनाया तो ये भी कॉपर से और अगर इधर कॉपर सल्फेट है तो राइट में भी कॉपर सल्फेट तो दोनों सेम ही होते हैं एलिमेंट भी सेम होगा और आपको क्या इलेक्ट्रोलाइट भी सेम मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट हाँ, की जो कंसेंट्रेशन है वो दोनों कंटेनर के अंदर क्या होगी अलग अलग होगी और उसकी वजह से यहां पे करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ठीक है चलिए फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात दोनों के पैरल डिफरेंस तो मैं बात करूंगा ही ठीक है और लास्ट एक पॉइंट और देखते फिर आगे बात करेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो पीछे वाले मैंने क्या लिखा था नॉर्मल में नेवर भी जीरो वो कभी भी नॉट e सेल कभी भी नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में जीरो नहीं हो सकता बट कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा ऑलवेज जीरो होगा क्यों होगा तो इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल के जैसे मैंने जिंक ले लिया तो जिंक सॉलिड एनोड है यहाँ पे उसका इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट है उसका कंसंट्रेशन सी है ये सॉल्ट ब्रिज फिर हम आगे कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट पे ठीक है राइट वाले कंटेंट उसका कंसंट्रेशन सी टू है और उसका जो कैथोड बना है वो भी जिंक से बना हुआ है एनोड भी जिंक से बना है कैथोड भी जिंक से बना है एनोड का इलेक्ट्रोलाइट भी जिंक सल्फेट है कैथोड इलेक्ट्रोलाइट भी जिंक सल्फेट है डिफरेंस कहां आ रहा है कंसंट्रेशन सी वन और सी टू कंसनट्रेशन की वजह से अगर मेरे को ई नोट सेल कैलकुलेट करना है तो एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिंक का समथिंग पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट होता है ऑक्सीडेशन तो उसका रिडक्शन क्या होगा माइनस पॉइंट सेवन सिक्स और हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालने के लिए एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते तो 0.76 सेवन प्लस माइनस पॉइंट अल्टीमेटली आना क्या है जीरो इसलिए ये वैल्यू तो कंसंट्रेशन सेल में हमेशा क्या होगी जीरो होगी ठीक है मैथमेटिकल भी समझ में आ गया आगे और मैं बता दूंगा फिर भी मैंने आपको बता दिया ठीक है तो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल और स्टैंडर्ड सॉरी कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस है पहला डिफरेंस पहला डिफरेंस कि जो यहां पे लिखा है वहां पे जो करंट फ्लो होता है नॉर्मल के अंदर वो होता है इलेक्ट्रोड अलग अलग एलिमेंट के बने होते हैं तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होते हैं इसलिए इलेक्ट्रोड के अलग अलग एलिमेंट के होने की वजह से उनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जबकि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कैसे करता है वो अभी देखेंगे यहां पर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है यहां पर भी करंट फ्लो करता है लेकिन इलेक्ट्रोड के अलग होने से नहीं इलेक्ट्रोलाइट के कंसेंट्रेशन अलग होने की वजह से पहला डिफरेंस दूसरा डिफरेंस वहां पे एनोड और कैथोड अलग अलग एलिमेंट के बने होते हैं यहां पे एनोड और कैथोड दोनों सेम एलिमेंट के बने होते हैं वहां एनोड और कैथोड वाले कंटेनर के इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग होते हैं यहां पे इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होते हैं यानी ठीक है बट उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि वहां पर नॉर्मल के अंदर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल है ठीक है ए नॉट सेल जो है वो कभी भी जीरो तो नहीं होगा और यहां पर ए नॉट सेल हमेशा ही जीरो रहेगा सबसे बेसिक डिफरेंस ठीक है चलिए अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं इसी पे हम क्या करते हैं अब एक बार नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं ठीक है नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते तो क्या होता है मैंने यहां पे लिखा जो ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया इसी पे अप्लाई कर रहा हूं ठीक है जिंक का मैंने कंसनट्रेशन सेल लिया अगर मैं बोल रहा हूं जिंक का कंसनट्रेशन सेल है तो बाय डिफॉल्ट सब समझ में आ गया अब इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट मानो जिंक क्लोराइड मानो कुछ भी मानो एक इलेक्ट्रोलाइट ले लो तो मुझे पता है तो आपको कुछ की जरूरत ही नहीं होती सिर्फ जिंक कंसंट्रेशन सेल बोला तो सब चीजें क्लियर हो गई अब यहां पे जो सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है सेल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मुझे समझ में आ गया एनोड है जीरो से यहां प्लस टू जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैंने यहां पे सिर्फ क्या करा एनोड की रिएक्शन लिखी एनोड पे क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो कन्वर्ट से होगा ये कॉन्स्टेंट वैल्यू इसकी इसी तरीके से भी हमारा किसका बना हुआ है जिंक का बना हुआ है और कैथोड पे हमेशा क्या होगा रिडक्शन होगा तो अब जो रिडक्शन होगा देखो यहां से भी आप देख सकते हो

एनोड हो गया, कैथोड की अगर हम बात करें तो वहां पर रिडक्शन होगा तो दो हो इलेक्ट्रॉन वो क्या गेन पोटेंशियल इस तो माइनस पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट हो गया ये एनोड हाफ सेल रिएक्शन है अगर मैं एनोड और कैथोड हाफ सेल रिएक्शन दोनों को एड कर दू तो देखना बस आपको अब ध्यान क्या रखना पड़ेगा जेड एन दोनों साइड आएंगे दोनों साइड आएंगे तो क्योंकि जेड एन सॉलिड की कंसंट्रेशन तो हमें मेंशन फर्क ही नहीं पड़ता नर्स इक्वेशन में क्योंकि हमने बोला कि जो एक्टिविटी या कंसंट्रेशन होती है प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की हम उसकी वैल्यू क्या लेते हैं वन लेते तो उससे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी चाहो तो आप लिख सकते हो बट जो एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है हमारा जेड एन प्लस टू उसकी कंसेंट्रेशन का फर्क पड़ेगा नहीं तो ये ध्यान रखना बस इस तरह के जो यहाँ पे ठीक है इस तरह के यहाँ पर जो मैं बोल सकता हूँ कंसंट्रेशन कंसनट्रेशन uh, जो हमारे गैलवेनिक uh, सेल होते हैं उसमें कंफ्यूजन क्या होता है कंफ्यूजन सिर्फ इतना होता है क्योंकि एनोड कैथोड सेम मटेरियल सेम इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है तो न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करते समय नस्ट इक्वेशन में बस इतनी सी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहां पर कैथोड uh, का इलेक्ट्रोलाइट है कहां पर एनोड का इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी वैल्यू क्या है वो सही जगह पुट करनी होती बाकी सब चीज़ जो पढ़ चुके वही है वही सेम है यानी ठीक है तो कैसे है तो उसको अभी देखते हैं तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन कैथोड हाफ सेल रिएक्शन दोनों को मैं ऐड कर दूं ठीक है दोनों को मैं ऐड करूंगा तो देखना ये सेल रिएक्शन लिखी मैंने यहाँ पे सेल रिएक्शन में ध्यान से आप देखना है ना सेल रिएक्शन में आप देखना ये तो है मेरा कौन सा एनोड वाला जिंक और ये वाला मेरा कौन सा कैथोड वाला कोई कैथोड में जिंक सॉलिड का आ रहा राइट साइड में और एनोड वाले में क्या आता है लेफ्ट साइड में हां अब ये Zn+2 एक्वस उसका मुझे फर्क पड़ेगा चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो ये एनोड है और ये कैथोड है बट ये जो जेड एन प्लस टू है ये किसका है, का है. तो देखना मैंने यहां पे लिखा कैथोड मेंशन है उधर भी एक्स तो वो एक्स एक्स नहीं, नहीं कंसनट्रेशन अलग अलग है ठीक थी। है तो ये जिंक का क्या है कैथोड है और जेड एन प्लस टू ये कहा आ रहा? का ये वाला ठीक है तो ये है राइट में तो यहां मैंने दिया, ये किसका है एनोड का क्लियर है तो ये पूरी सेल रिएक्शन लिखी और दोनों को ऐड करेंगे ई नोट ओ और ई नोट आर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा वापस से जीरो आएगा तो मैथमेटिकल भी प्रूव हो रहा है हाँ जीरो हो रहा है। ऐसे ही तो हम इनोट सेल निकालते हैं एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को ऐड कर दो तो हमारा ई नोट सेल आ जाता है तो यहां पर जीरो हो गया चलिए अब इसी इक्वेशन पे या इसी सेल पर मुझे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है तो कोई दिक्कत नहीं नर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दी इक्वेशन क्या क्या होती ये राउंड ऑफ करके लिख दिया बाय अब यहां पे N क्या होगा तो यहाँ हो एन से प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन और दो इलेक्ट्रॉन के रिडक्शन तो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना टू ई नॉट सेल की वैल्यू तो e क्या है? तो वो भी यहाँ से मुझे पता लगी वो क्या होगी हमेशा जीरो ही होगी इस केस में और लॉग ऑफ क्यू रिएक्शन क्वेश्चन अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्यों क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट क्या हमारे पास जेड एन प्लस टू और जेड एन सॉलिड तो जेड एन सॉलिड हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं बट जेड एन प्लस टू जो हमारा एनोड है उसकी कंसंट्रेशन चाहिए तो मैंने वहां से टू मेंशन करा था वो आपको यहां पर यूज होगा इसी तरीके से रिएक्टेंड में जाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस टू और कंसेंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस टू ऑफ कैथोड ये तो वन हो जाएगा और जेड एन प्लस टू ऑफ कैथोड इसकी वैल्यू अगेन जो वहां पे हमें कंसनट्रेशन मैंशन कर रखे होगी जैसे हम सेवन मेंशन करेंगे तो सेवन लिख देंगे तो यहां पर मैंने नस्ट इक्वेशन में बस क्या करा वैल्यू पुट करिए ए नॉट सेल की जगह रखा जीरो माइनस पॉइंट जीरो सिक्स और चाहो ठीक है तो एन की वैल्यू जगह भी मैं क्या रख देता हूँ यहां पे टू रख एन की जगह भी क्या रख दें यहाँ पर टू रख दे ठीक है फिर लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस टू ऑफ एनोड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस टू ऑफ कैथोड प्रोडक्ट साइड में आएगा वो हमारे पास रिडक्शन वाला लेकिन उसकी वैल्यू वन होगी तो मैंने वो लिखा ही नहीं ऐसे ही एनोड वाला इधर आएगा तो उसकी वैल्यू वन होगी इसलिए वो मैंने लिखा ही देखिए सिर्फ इलेक्ट्रोलाइड की कंसेंट्रेशन मैंने लिखी है और यहां पर ठीक है जैसा मैं बोला था सेल रिप्रेजेंटेशन देखोगे आप यहां पर देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा तो एनोड की जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसनट्रेशन सी वन है और कैथोड वाले वाली इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन सी टू है ठीक है तो यहाँ पर बस वो C1, C2 जो भी कंसनट्रेशन दे रखी हो तो वहाँ पे न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू दे रखी होगी तो यहाँ पे लिख देना बस वही करा मैंने कि जो एनोड Zn+2 की कंसनट्रेशन C1 थी वो यहाँ पे लिख दी और कैथोड Zn+2 की कंसनट्रेशन थी C2 वो यहाँ लिख दी और ये यह जीरो यहाँ से हट गया तो नेगेटिव पॉइंट जीरो सिक्स या पॉइंट जीरो थ्री लॉग ऑफ सीवन अपॉन सी टू आ जाएगा यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी हुई कैलकुलेट करो और आपको ई सेल कैलकुलेट हो जाएगा ई e सेल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने पड़ेगी बिना नर्स्ट इक्वेशन के ई सेल नहीं कैलकुलेट कर सकते है. हाँ एक कंडीशन है कि ई सेल कैलकुलेट करने का कि उसी कंडीशन पे डायरेक्ट जैसे हमें स्टैंडर्ड एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है उसी टेम्परेचर पे हमें क्या दे रखा हो या उसी कंडीशन पे कंडीशन कंडीशन एनी पे जो भी है ई सेल ई सेल अगर हमें डायरेक्ट निकालना है नॉट की जगह ई सेल ये वाली वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है तो हमें एनोड का उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता होना चाहिए और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल वापस ऐड कर दो लेकिन वो कभी डायरेक्ट जनरली बहुत ही रेयरली मिलता है तो आपको नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने पर दे दिया फिर तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ठीक है इसको जनरलाइज करने के लिए ठीक है इसको जनरलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया ई सेल E तो हमेशा इसमें जीरो होगा तो टर्म हटाई दिया रिएक्शन मल्टीप्लाई बाई लॉग कंसट्रेशन आएगी सिर्फ यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ये भाई स्क्वायर ब्रकेट का मतलब तो क्या होता है कंसनट्रेशन तो पूरा लिखा नहीं मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट लिखा कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनोड बाई कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कैथोड और यहाँ पर देखना यही तो लिखा है एनोड अपन कैथोड ठीक है और पे C2 मैंने दे रखा था इसलिए तो ये एनोड अपॉन कैथोड हो जाएगा सही है तो ये कंसेंट्रेशन सेल गैल्वेनिक सेल जो हमारा नॉर्मल होता है नॉर्मल से कंसंट्रेशन कैसे अलग है तो बस इसमें एक चेंज आया था नॉट की वैल्यू अलग हो जाएगी और बस न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर एनोड और कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या है क्योंकि बस वैल्यू रखते समय कन्फ्यूजन सा थोड़ा सा हो जाता है ठीक है तो वो अवॉइड करना है और उसको भी कैसे अवॉइड करें मैं आपको भी न्यूमेरिकल में हेल्प बताता हूँ ताकि आपको हेल्प रहेगी और इजीली आप उसको क्या कर पाओगे सही वैल्यूज रख पाओगे और बाकी चीज़ें हमने जो पढ़ा वही है ठीक है चलिए तो वीडियो पॉज करें और इसको पूरे कॉपी कर ले एक बार ठीक है कंसनट्रेशन गैल्वेनिक सेल वीडियो पॉज करें और कॉपी करें पॉज करके कॉपी करते चले चलिए अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर कुछ ठीक है देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसके इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली ऐसे नोटेशन वाले क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा और मैं जनरली इसी में लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा है ना लैंग्वेज लिखने में टाइम लगता है और बहुत बड़ा हो जाता है नहीं हाँ हो सकता है ये सब चीज़ें क्या लिखा लिखी हुई हो आपको लैंग्वेज में लिखी हो तो उसके लिए परेशान मत होना नोटेशन में मैं लिख देता हूँ थोड़ा बस क्वेश्चन छोटा रहे जगह स्पेस कम हो तो उसमें लिख देगा कि एनोड हाफ सेल की जो कंसनट्रेशन है द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनोड हाफ सेल इज टेन रेज टू दावर माइनस थ्री ऑफ कॉपर सल्फेट इस तरीके से है ना तो पूरा लैंग्वेज में वो लिख के दे देगा मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया तो यहाँ पे कॉपर कॉपर प्लस टू में जा रहा है क्या है? साथ में सॉल्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता दे दिया तो तो भी ठीक है नहीं दिया तो भी ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता है हाँ उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन या नीचे लिख दी टेन रिस्टो पर माइनस थ्री मोलर जैसे मैंने सी वन लिखी थी सॉल्ट ब्रिज के बाद फिर इसकी कंसनट्रेशन दे दी फिर कॉपर का दे दिया कॉपर प्लस टू का हमारे पास क्या यहाँ पर सोल्यूशन है और वो वापस कॉपर में तो कॉपर कॉपर प्लस टू में ऑक्सीडेशन और कॉपर प्लस टू से कॉपर में रिडक्शन तो हमें समझ में आ गया कंसनट्रेशन सेल है ठीक है और इसमें ई सेल की वैल्यू पूछी डायरेक्ट मैंने इस तरीके से लिख दिया तो बस अगर आप कर पा रहे हो तो वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करें और आंसर वेरीफाई कर ले अदरवाइज़ ठीक है अदरवाइज़ आप देखें किस तरीके से एक एक इसमें मैं बता देता हूँ देखो चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो और कोशिश करो पहले एनोड लिखो एनोड हाफ सेल लिखो कैथोड कैथोड हाफ सेल लिखो फिर दोनों को ऐड करो सेल रिएक्शन लिखो ठीक है बट मैं यहाँ पे चलो डायरेक्ट सेल रिएक्शन लिख देता हूँ अब इतने क्वेश्चन कराने के बाद ये चीज़ें आपको डायरेक्ट आनी भी चाहिए चलो कर ही देते चलो इस टाइप का पहला क्वेश्चन है तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखता हूं रिएक्शन इस सॉल्ट ब्रिज से पीछे क्या है एनोड है और उसकी रिएक्शन कैसे लिखूंगा मैं एनोड हाफ सेल की कॉपर सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हुआ कॉपर प्लस टू एक्वस के अंदर ठीक है साथ में यहाँ पे क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा लूज कर देगा ठीक है अब इसका मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखने की जरूरत ही नहीं कुछ भी ले लो एक्स मान लो वाई मान लो तो ये एक्स लोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा माइनस एक्स और कैंसिल हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है और यहाँ पर इसकी कंसनट्रेशन मुझे दे रखी है कितनी टेन की पावर माइनस थ्री मोलर इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो तो वो मैं जो तो कह रहा था ना वैल्यूज रखने में दिक्कत होती है कंफ्यूजन होती है तो इस तरीके से हाफ 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 सेल रिएक्शन लिखो और उसी के नीचे लिख दो ठीक है इसलिए मैंने हाफ सेल से स्टार्ट करा है। इसी तरीके से कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखे यहां पर मैंने कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखे कैथोड हाफ सेल में क्या है बस इतना कर देना आपको कॉपर प्लस टू एक्वास फॉर्म में दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बैलेंस करने के लिए और यहां पर क्या हो जाएगा कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी कंसेंट्रेशन देख ले क्या दे रखी है आपको इसकी कंसेंट्रेशन आपको दे रखी पॉइंट वन मोलर तो इसी के नीचे मैं लिख देता हूं यहां पर जीरो पॉइंट वन मोलर सही है एनोड और कैथोड हाफ सेल दोनों रिएक्शन को आप क्या कर दो सिंपली कर कर दो 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 यानी ठीक है एनोड कैथोड हाफ सेल दोनों को आप क्या कर दे? कर दो. तो इलेक्ट्रॉन दो से दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहां पे कॉपर सॉलिड कैंसिलेशन नीचे लिख दी ठीक है तो यहां पर मैं ऐड करके लिख रहा हूं रिएक्शन देख ले कंप्लीट सेल रिएक्शन में यहाँ पर लिखेंगे हम कॉपर सॉलिड प्लस कॉपर प्लस टू एक्वस ठीक है मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट फिर आपको फिर से एक बार रिलेट करा दूंगा कॉपर प्लस टू एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड ठीक है अब यहाँ पे देख ले दोनों को जब ऐड करोगे जब दोनों को ऐड करोगे तो इधर तो सिर्फ कॉपर सॉलिड है और इधर क्या मोलर तो तो फिर यहां पे देखेंगे आर एच एस में तो कॉपर सॉलिड है तो वो आ गया और इसके आर एच एस में क्या है कॉपर प्लस टू उसकी कंसेंट्रेशन दे रही है टेन टू दावर माइनस थ्री मोलर तो यहां पर लिख दी मैंने उसकी कंसेंट्रेशन टेन टू दी पावर माइनस थ्री बस सही है अब तो कुछ करना ही नहीं हाँ, cell वो तो जीरो होता ही है सेल है अभी बताई दिया तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं अब नर्स इक्वेशन आप अप्लाई कर दे ठीक है तो यहां पे मैं नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर देता हूं तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बस इ e सेल इज़ इक्वल टू नेगेटिव जीरो पॉइंट जीरो सिक्स लिख देता हूँ कैलकुलेशन इजी के लिए एन लॉग ऑफ क्यू ठीक है फिर से नेगेटिव जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एन क्या होगा कॉपर कॉपर प्लस टू में जा रहा है कॉपर प्लस टू कॉपर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है दो इलेक्ट्रॉन का दोनों हाफ सेल रिएक्शन से भी आप देख सकते हो तो आप लिखा मैंने टू लॉग कंसनट्रेशन बैलेंस्ड जो फाइनल सेल रिएक्शन उससे देख लो आप तो बस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टन लिखते तो ये तो वन हो जाएगा और इधर भी ये भी वन हो जाएगा बस मुझे क्या लिखना है कॉपर प्लस टू कापर प्लस टू और ये कौन सा वाला कॉपर प्लस टू एनोइड वाला ठीक है डायरेक्ट फार्मूला याद रख, रख सकते हो तो ठीक है नहीं तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन से भी आप लिख सकते ठीक है थेके? तो यहाँ पर आ जाएगा ये कॉपर प्लस टू और इधर पिछले साइड से भी देख सकते हो कॉपर प्लस टू जैसे इलेक्ट्रोलाइट है तो किसकी एनोड की कंसनट्रेशन आती है. तो यहाँ पर मैंने लिखा एनोड यहां पे कॉपर प्लस टू और यहां पर कैथोड ठीक है बस अब इनकी चा मैं एनोड कैथोड नहीं भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आपको तो वैल्यू सही लिखनी तो प्रोडक्ट की टेन टू दर माइनस थ्री और इसको पॉइंट वन मतलब टेन टू दी पार माइनस वन लिख सकता हूं तो बस वैल्यू पुट कर दे यहां पर ठीक है यहां पर जब सॉरी ठीक है तो यहां पर वैल्यूज पुट कर दे इसको तो ये तो कितना हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री हो जाएगा लॉग और यहां पे कॉपर प्लस टू एनोड ठीक है कॉपर प्लस टू एनोड की कंसंट्रेशन टेन की पावर माइनस थ्री बस ये सही लिखना बाकी तो कोई फर्क पड़ता नहीं और इसको टेन की पावर इसको भी क्या लिख दो माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस वन तो क्या हो जाएगा टेन की पावर माइनस टू बस अब तो मैथमेटिक्स से सिंपल सी माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री लॉग ऑफ टेन की पावर माइनस टू लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो लॉग एम डेस्ट टू तो दावर एन माइनस टू है तो वो सामने आ जाएगा तो यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे और बे, बेस कुछ नहीं दे रखा तो क्या होगा बाई डिफॉल्ट टेन और लॉग टेन क्या हो जाएगा वन तो यहां पर माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री और ये माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा और यहां पर क्या रह जाएगा सिर्फ लॉग टेन तो फाइनल जो ई e सेल की वैल्यू होगी ई सेल की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स वोल्ट ठीक है वैसे दे रखे क्योंकि यूनिट वोल्ट है मिली वोल्ट है जो भी है ठीक है तो कुछ नहीं दे रखा तो मैंने वोल्ट लिख दिया ठीक है तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी कर रहे थे और पहले भी कर रहे थे तो बस कुछ नहीं है बस आपको इतना सा आइडेंटिफाई करना है कि एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन सही पुट करनी और इनोड सेल तो जीरो हो गया तो उसकी भी टेंशन खत्म होगी ठीक है तो और ईजी हो जाता है क्वेश्चन चलिए तो वीडियो पॉज करे हो इसको कॉपी कर लें पूरा ठीक है वीडियो पॉज करें और कॉपी करें ठीक है वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी कॉपी कर लें

हाइड्रोजन जो गैस है वहां पर अब उसका प्रेशर भी मेंटेन कर रखा है मेंटेन मतलब सॉरी uh, गिवन uh, दे रखा है सॉलिड और लिक्विड के लिए तो हम क्या लिखते हैं प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए तो जो कंसनट्रेशन है जो एक्टिविटी वो क्या होती है वन होती है लेकिन गैस के लिए मत कर देना है ठीक थी। है तो यहां पे हाइड्रोजन जो गैस है उसका प्रेशर दे रखा है हमें फिर यहां पर जो कंसनट्रेशन है अब उसकी कंसनट्रेशन ना देखें हमें क्या दे दी उसने पीएच दे दी तो हमने हाइड्रोजन एस -E के लिए पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने बोला था ना ई सेल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ई ईओ या ई नॉट आर या हम बोल सकते हैं ई नॉट ओ या ई नॉट आर ऑफ हाइड्रोजन सेल वो तो होता है जीरो अब मुझे किसी भी कंसेंट्रेशन पे ई नॉट सॉरी ईओ निकालना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो मैंने बोला जैसे-जैसे H+ की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो वो पीएच के फॉर्म में हमने निकाला था उसको 0.059 पीएच ठीक है बस आपको ध्यान रखना था कि प्लस और माइनस आता ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो वहां से भी कर सकते हो और दूसरा तरीका मैं एक और बताता हूं वैसे भी कर लेंगे तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो, हो रहा है देखना से से और रिडक्शन हो रहा है ठीक है तो मैं इसमें क्या करता हूं, लिखता हूं start, तो, आ, तो आप कर सकते हो इसको बिल्कुल प्रेशर वाला मैंने आपको पहले बताया था कैसे वैल्यू आपको पुट करनी है तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखता हूं मैं पहले एनोड और इसमें भी पूछा गया ई e सेल ही पूछा गया ई नोड सेल तो वैसे भी जीरो होगा इसका कंसेंट्रेशन सेल है ये हाइड्रोजन का एनोड हाफ सेल की रिएक्शन मैंने लिखी तो यहाँ पे देखना जो H2 गैस है वो कन्वर्ट हो रही है H+ में होगी तो बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 2H+ कर दिया और साथ में दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए इसके सही है अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ मेंशन कर रखी है ठीक है इसको लिख देता हूँ मैं एक्वस प्लस टू इलेक्ट्रॉन अब यहां हमें क्या क्या में चीज मेंशन कर रखी है तो देखना ध्यान से प्रेशर इसके नीचे लिख रहा हूं मैं इसका प्रेशर दे दिया मुझे जीरो पॉइंट वन एटीएम एच प्लस दे रखी पी एच इक्वल टू टू अब पी एच टू टू का मतलब क्या है पीएच इक्वल टू टू का मतलब यहां पर देखो ठीक है चलो इधर बता दो हमें पता है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है सॉरी पीएच इक्वल्स टू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस यही तो होता है पीएच का फॉर्मूला है ना तो माइनस को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी एच इज इक्वस टू लॉग ऑफ एच प्लस और अगर मुझे यहां से लॉग हटाना है तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि जो इसका बेस होगा उस बेस पावर बन जाएगा इक्वस टू के सामने जो कुछ भी लिखा हुआ है ठीक है अब लॉग है तो बेस बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं होता होता तो बेस है e, बाई और लॉग है तो बेस क्या है टेन तो टेन की पावर बन जाएगा जो इसके सामने टू पे जो भी लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं टेन की पावर माइनस पी एच इज इक्वस टू कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस अगर मैंने लॉग हटाया तो मुझे एच प्लस की कंसेंट्रेशन मिल जाएगी और यहाँ H की तो कंसनट्रेशन चाहिए तो H की कंसनट्रेशन चाहिए तो 10 की पावर माइनस पी और पी कितना दे रखा है 2। तो इसकी कंसनट्रेशन मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ से 10 की पावर माइनस टू मॉलरिटी सही है तो वहाँ पी से मैंने इसकी कंसनट्रेशन लिख दी चलिए इसी तरीके से सेम हम किसके लिखेंगे कैथोड हाफ सेल के लिए लिखेंगे तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कैथोड हाफ सेल ठीक है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैथोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल के लिए कैथोड पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है तो अब की बार हम क्या कर दे उल्टा लिख दे तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए टू एच प्लस ने दो इलेक्ट्रॉन ठीक है फेस मैं करते चले आदर डाले इसको है ना प्लस टू इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस में वो क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है इस H+ की अब की बार इसका pH कितना दे रखा है देखना pH आपको दे रखा है शायद कितना फोर एच फोर दे रखा है तो यहां पर क्या आ जाएगा टेन की पावर माइनस फोर आ जाएगा तो इसकी कंसेंट्रेशन टेन की पावर माइनस फोर प्रेशर भी देख ले इसका दे रखा पॉइंटीएम ठीक है ATM. तो दोनों चीज यहां मैं मैंशन कर देता हूँ टेन तो की पावर माइनस फोर तो इसकी कंसेंट्रेशन हो गई और यहां पर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम बस ये वैल्यूज आपको रखनी थी आप सेल रिएक्शन लिखिए टोटल और इसको सॉल्व कर ले यानी तो सेल रिएक्शन लिखता हूं मैं ठीक है अब आप इसको ऐड करो है ना एज इट इज कर लो कुछ नहीं समझ में जो वैल्यू जहां लिखी वही लिख दो H2 उसके नीचे लिखना पॉइंट वन एटीएम एल एच एस में दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे इनको कैंसिल मत करना ये अलग अलग कंसेंट्रेशन अलग अलग प्रेशर है तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा बस ठीक है तो यहाँ पे एच टू गैस पॉइंट वन एटीएम लिख रहा हूँ एच टू गैस जीरो पॉइंट वैसे लिख दू मैं इसको टेन की पावर माइनस वन चलिए फिर आ जाएगा यहाँ पे टू एच प्लस एक्वस अब ये एल एच एस में एच प्लस कौन सा है कैथोड का या एनोड का यही आपको बस ध्यान रखना है तो यहाँ ध्यान रखना इधर तो कुछ नहीं है एच प्लस किसका आ रहा है कैथोड का और वो उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है टेन की पावर माइनस फोर मोलर तो इसके नीचे आप लिख दे टेन की पावर माइनस फोर मिलर ठीक है ऐसे साथ के साथ नीचे लिखेंगे तो वैल्यू रखने में कंफ्यूजन भी नहीं होगा और दिक्कत भी नहीं होगी ठीक है उसके बाद यहाँ पे फिर से टू एच प्लस एक्वस टू एच प्लस एक्स और इसकी कंसेंट्रेशन आर एच एस में यहां पर तो नहीं है किस में? एनोड के अंदर उसकी कितनी पावर माइनस टू मोलर तो यहाँ पर आप लिख दे टेन टू दी पावर माइनस टू मोलर प्लस यहाँ पर हमें दे दी हमने हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना दे रखा है वहां पे टेन पॉइंट जीरो जीरो लिख दो इसको डायरेक्ट टेन की पावर माइनस थ्री एटीएम बस अब अप्लाई कर दे इस पे, सब कुछ सामने, सामने रखना तो तो e e तो यहां पर कितना आ रहा है बैलेंस्ड होनी चाहिए थी रिएक्शन इसलिए मैंने टू से मल्टीप्लाई करा तो टू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है यहां पर लिख दिया मैंने डायरेक्ट टू लॉग अब इससे देखना है कैसे लिखना प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन तो पहले क्या लिखूंगा एच प्लस एच प्लस और इसका कॉफिशियंट इसकी पावर बन जाता है कॉफिशेंट क्या बन जाता है पावर तो यहाँ लिखा मैंने टू ये ठीक है ये छोटी छोटी चीजें भूलना मत गलती होती है यही पे फिर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ये वाला डिवाइड बाय फिर यहां पर एच टू गैस लिख देता हूँ चलो पहले कोई दिक्कत नहीं पी एच टू गैस फिर मल्टीप्लाई बाय एच प्लस और उसकी पावर कितनी टू अब देखो सब सेम सेम लगेगा तो बस ये ध्यान रखना ये प्रोडक्ट वाला है और ये रिएक्टेंट वाला है और चाहो तो आप लिख लेना एनोड कैथोड कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो मैंने तो ऐसे लिख दिया तो मेरे को लिखने में दिक्कत नहीं होती ये लिखा तो बस ये वैल्यू ऊपर रखनी है और नीचे जो लिखा है ये वैल्यू इधर नीचे रखनी है तो इधर क्या लिखूंगा टेन के पावर माइनस टू तो यहां पर मैंने लिखा माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री हो जाएगा ये लॉक यहां पर लिखा मैंने टेन की पावर माइनस टू तो उसकी कंसंट्रेशन और उसकी पावर टू ये बाहर जो लिखा है मल्टीप्लाई बाय ठीक है मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर क्या लिखना है माइनस थ्री तो यहां पर लिखा मैंने टेन की पावर माइनस थ्री डिवाइड में फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखना है रिएक्टेंट वाला तो रिएक्टेंट में देख लें टेन की पावर माइनस वन है तो यहाँ पर लिखे टेन की पावर माइनस वन तो यहाँ लिखा मैंने टेन की पावर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एच प्लस की कंसल्ट्रेशन कितनी दे रखी है टेन की पावर माइनस फोर रिएक्टेंड में तो टेन की पावर माइनस फोर तो यहाँ से मैंने लिखा टेन की पावर माइनस फोर और इसकी भी पावर टू ये जो बाहर दे रखा है बस इसको सिंप्लीफाई कर ले टेन की पावर माइनस फोर और टेन की पावर माइनस थ्री माइनस सेवन हो जाएगा यहाँ टेन के पावर माइनस वन और टेन की पावर माइनस एट तो माइनस नाइन तो ऊपर माइनस सेवन है और नीचे माइनस नाइन है तो ऊपर जाएगा तो टेन की पावर टू हो जाएगा प्लस की ठीक है तो चाहो तो आराम से और आप कैलकुलेट करके देख लेना तो यह आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री लॉग ऑफ टेन की पावर टू फाइनल ये बचेगा ठीक है तेके? फिर भी एक बार आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना है टू सामने चला जाएगा लॉक की प्रॉपर्टी लगा दो वापस से बस तो ये आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री मल्टीप्लाई बाई टू और यहाँ पे लॉक क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स अगेन वोल्ट और लॉक टेन क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा ई से सही है तो इस तरीके से दोनों टाइप के मैंने बता दिए जिसमें प्रेशर भी आ रहा हो हाइड्रोजन वाला और नॉर्मल कंसनट्रेशन सेल तो आपको बता ही दिया है तो सब चीज़ें सेम ही है बस आपको लिखने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और बाकी बड़े ईजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेशन वगैरह तो ऐसी कोई टफ़ होती भी नहीं है इसमें ठीक है चलिए तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको ठीक है तो इस तरीके से जब वैल्यूज आप नीचे लिख लोगे लिख लो ना तो फिर ज़्यादा फिर कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं और फिर प्रैक्टिस हो जाए तब डायरेक्ट आप सेल रिएक्शन या डायरेक्ट वैल्यूज भी रख सकते हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं वो बट डिपेंड करेगा आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो कितना कॉन्फिडेंस आपकी कि आप सही लिख पा रहे हो नहीं ठीक है तो आज के लेक्चर में मेनली हमने क्या है एक नई चीज जो पड़ी थी वो है कंसंट्रेशन सेल और उसके बारे में दो तीन चीज आपको ध्यान रखनी है कि कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड और जो दोनों इलेक्ट्रोड होती है एनोड और कैथोड वो सेम एलिमेंट की बनी हुई होती है इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होता है बस उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है और इस वजह से नॉट सेल की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज जीरो होती है ठीक है चलिए ओके थैंक यू क्लास